पूरी वीडियोग्राफी है तो ये ठंडी उतारो और उनको लोगों को तो दो तीन आना दिया आप क्या सिस्टम है आपसे सही पांच टाइम खराब हो गया आप अरे मंगा भाई नारायण पूरी शक्ति का लगे आप लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। शाम को 5 बजे तक सभा होगी, तब तक ये सारे कांग्रेस के लोग उठाने का काम करेंगे। ज्योति मेहता जी गलत भाषा भी बोलेगी जैसी उनकी आदत है पहले से बोलने की, तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमारा टारगेट सिर्फ टायर्स का चुनाव चिन्ह, हनुमान बेनीवाल और ऊपर नरेंद्र मोदी, तीन ही चीज़ दिखनी चाहिए चुनाव तक। निदान से छुट्टेंगे आह्वान करूँगा कार्यकर्ताओं से, शांति से प्रत्येक नागौर जिले का छत्तीसगढ़ का मेरा भाई आरएलपी का भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बेनीवाल बनकर चुनाव लड़ेगा। मोदी जी को मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नेतृत्व उनको देना है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, सारे नेतागण उस सब आज मंच पर आए हैं। आपने देखा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो किसी तरह का कोई गुंजाइश ही नहीं देती। बीजेपी पूरी तरीके से साथ है, आरएलपी साथ है और जबरदस्त तरीके से चुनाव बहुत अच्छे वोटर जीते हैं। दूर हो गए तो कई जगह कांग्रेस के कई लोगों के इलाज कर देगा टाइम, एक दो दिन में हम भी कांग्रेस के जहाँ वोट ज़्यादा कांग्रेस हवा में उछल रही है उसका सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए उड़ान भरेंगे नागौर से आसपास के संसदीय। देखिए नागौर का तो एक तरफा चुनाव होगा, जवानों ने कमर संभाल ली है, छत्तीस को हम साथ है, मोदी जी की भी लेट चल रही है और जवान हनुमान बेनीवाल के साथ डबल चुनाव लड़ेंगे। बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा, नागौर की धरती वैसे भी परिवर्तन के लिए मानी जाती है। देखिए तीसरी ताकत की बात जो कही थी वो भी मैं नागौर से था, दूसर का विधायक था और राजस्थान में तीसरी ताकत को स्थापित कर दिया विधानसभा का चुनाव। अब इस ताकत को देश के चुनाव के अंदर हमें मोदी जी को मजबूत करने के लिए इस ताकत को वहाँ पे लगाना है, तो नागौर के अंदर ये जवान किसान मिलकर इस चुनाव को एक तरफा बना देंगे। अभी मैं तड़के 3 बजे मकराना पर्वत सर के इलाके से आया था, माताएं बहनें भी बच्चे भी कि बस एक ही बार अगली बार आप चिंता मत करो, आपको दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली के अंदर मजबूती से किसानों की जवानों की पैर में चलना है और भारत संपूर्ण मजबूत राष्ट्र बने, लोकतंत्र की रक्षा हो और केंद्रीय योजनाएँ जितनी भी है उनमें नागौर पिछड़ा हुआ है उनको आगे लाएँ। प्रत्येक रेलवे ब्रिज पे, रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज बने, यहाँ सेंट्रल स्कूल एक खुला है और सेंट्रल स्कूल खुलाएंगे नागौर जिले के अंदर और मिलिट्री स्कूल की बहुत बुरा चिंता, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फौज में लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा सादत सिखावटी के बाद मारवाड़ किसान के बेटों ने दिए। हम चाहते हैं कि नागौर केंद्रीय योजनाओं में बहुत आगे जाए, ये इच्छा रहेगी और अगर संसद में गए तो प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और नागौर को विकास के नए आयाम देंगे। वो आप खुद देखोगे, मेरे विरोधी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने खींवसर में क्या किया, तो खींवसर का तो मैंने नाम कर दिया देश के अंदर। यहाँ पहले लोग कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आते थे ज्ञापन लेने के लिए, हेड कांस्टेबल आता था कलेक्ट्रेट तुरंत आ जाते हैं हाईवे पर ज्ञापन लेने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने लड़ना सिखाया नागौर जवानों को किसानों को और सबसे बड़ी बात
विरोधियों के पीर और गांव के अंदर भी अगर सीसी रोडें उनके मोहल्ले में बनाई तो धरना दे के मुकदमा दर्ज हुआ, चालान हुआ, वो भी हनुमान बेनी वाले उनके घर के आगे भी काम मैंने ही कराया, उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब ये मतदान करने की। लेकिन यही जीत नहीं होगी, नागौर के लगते हुए सारे सारे जिले हैं, जोधपुर राजसमंद तो बाड़मेर गंगानगर से लेकर जहाँ भी नागौर की राजनीति का असर ज्यादा वो सीटें तमाम सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। बीजेपी के विधायक आपके बगल में है, मन मिल गया है क्योंकि मन में बहुत कबाट पहले थी। सुनो इनका तो मन हमसे पहले ही मिला हुआ था, वैसे जान से दुनिया जान मैं देख रहा हूँ नागौर में बहुत ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस खड़ी है, हर जगह है, तो क्या भीड़ की वजह से आप हनुमान जी का एक खौफ है सरकार के अंदर? देखिए हनुमान जी का खौफ कभी नहीं रहा, 5-5, 7-7 लाख की रैलियाँ करी, ईश्वर की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर, तेजा जी महाराज राम सब इतनी कृपा रही कि कभी पंचर गाड़ी भी पंचर हुई। जब हमने जयपुर में 8-10 लाख लोगों की रैली करी तब भी कोई ठेले वाला भी नहीं कह सकता, कोई चाय की थड़ी पान वाला ये कहते हैं वाह क्या रैली थी, पान भी खा के गए, डबल पैसे देके गए पान। तो ये दिलेरी किसानों ने जयपुर की धरती में दिखाई, राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर दिखाई, ये खोफ नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था इस हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आएंगे तो किसी तरह की अड़चन किसी को नहीं, बाकी यहाँ तो लाखों की संख्या में पहले रैलियाँ करी हैं। मंत्री बन जाता कैरियर बन गया, और मैंने मंत्री के चार बार 2003 में जब वसुंधरा जी मेरी मूल उनका नागौर से आप लड़ लो आपको मिनिस्टर बनाऊँ, मैंने कहा मूंडवा मेरे पिताजी की सीटें वहीं, मैं जिद्दी बोल मूंडवा ही लड़ा। उसके बाद आंतरिक लोकतंत्र को लेकर बीजेपी का MLA भी बना, वापसी झगड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कांग्रेस ने 8 में भी कोशिश की मुझे जाने की, 13 में बीजेपी ने दोबारा बात की आप आ जाओ, सब झगड़े बुला आपको मिनिस्टर बनाए, जनता को मुझे जवाब देना है। और अब की बार भी 18 के अंदर नई पार्टी के साथ आया, ये तमाम जैसे ज्योति मिर्जा जी कहते हैं भाई हमने ये किया हमारे दादाजी ने, उनके दादाजी नई पार्टी नहीं बना सकते राजस्थान, या तो दिल्ली की पार्टी लाते या यूपी हरियाणा की पार्टी का सिंबल वहाँ से जारी होता था दिल्ली से, ये तो पहली बार है कि किसान के बेटे की पार्टी का सिंबल नागौर की धरती है। RLP बना के और गहलोत जी ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का आश्वासन दिया, राहुल गांधी ने कहा कि आप तो उंगली रख देना वही आपको मिल जाएगा पद या जो भी है, लेकिन आप 2 सीट भी अलग ले लो, नागौर के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने कहा मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, मंत्री का तो मुद्दा ही नहीं है ना, मुद्दा तो हम ये चाहते हैं उनसे ज्योति मिर्जा से कोई व्यक्ति के झगड़ा नहीं। 2009 के अंदर मैं और रूपाराम जी ड्यूटी लाए थे मेरे पास, मैं बीजेपी में था और हमने उनकी मदद की जीता है, लेकिन 5 साल लोकसभा के अंदर उनका कोई सिस्टम नहीं रहा, एक मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया, और तो और एम्स की वो डायरेक्टर थी जो सबसे बड़ा अस्पताल है देश का दिल्ली का, उसमें उन्होंने किसी मरीज के लिए टेलीफोन कर दिया, 5 साल यूँ ही निकाल दिया और फिर 10 साल यहाँ नहीं दिखे, न फ़ोन नंबर है, न घर है, न पता है, न अता है, तपरी करने के लिए नागौर आऊँ और दिल्ली में ये बोलूँ कि नागौर में कोई जीत के चले जाए, ये कोई मजाक थोड़ी यार, मान सम्मान की लड़ाई है, ऐसे नहीं जीतने देगी नागौर की। वो बार बार कहते हुए चुनाव मेरे वो उसका देवर और जेठ भूपेंद्र हुड्डा उसके बेटे सब घूमे थे ना एक अवसर में, मुँह की खाई थी ना भी 3 महीने पहले, और बता देगी नागौर की जनता, ये कोई रोहतक थोड़ा ही नागौर है। अच्छा एक बात कहा जा रहा है कि